अस्सलाम वालेकुम। आज के हम इस ट्यूटोरियल में कार्ड होल्डर डिज़ाइन करेंगे। उसका साइज़ सेलेक्ट करने के बाद हम कैनवस पे जाएंगे। कैनवस में जाने के बाद हम यहाँ एक शेप ड्रॉ करेंगे, जिसे लेआउट कह लेंगे। हम लेआउट डिज़ाइन करेंगे इसका पहले, और बाद में फर्दर इसकी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। लेआउट में फर्स्ट शेप को हम डार्क ब्लू कलर थ्रो करेंगे इसमें, और उसके बाद उसके नीचे हम छोटी छोटी रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ करेंगे, जिससे हमारा कार्ड होल्डर यूनिक लगे। कलरफुल शेप्स देंगे हम यहाँ पे, जिसमें मुख्तलिफ कलर्स होंगे। येलो कलर आ जाएगा, लाइट ब्लू और स्काई कलर। यहाँ हम एक शेप को कलर देंगे, यहाँ हम कंट्रोल जैसे कॉपी लेके आगे उनको सेलेक्ट करके हम उनमें डिफरेंट कलर ऐड करेंगे। यहाँ हम अब इसकी शेप थोड़ी सी बच गई है, हम इसको अब एडजस्ट करेंगे। थोड़ी थोड़ी सारी चार के चार रेक्टेंगल में हम इंक्रीज करेंगे थोड़ी थोड़ी वेट सबकी। और याद रहे, जो मैं ये इसकी विड्थ बढ़ा रहा हूँ, ये मैं शिफ्ट शिफ्ट प्रेस करके इसकी बढ़ा रहा हूँ। अगर आप वैसे इसको इंक्रीज करेंगे तो ईच साइड से, चारों साइडों से ये बड़ा होगा। अब इसके बाद मैं अपना लोगो के ऊपर डार्क ब्लू कलर में थ्रो करूँगा, और इसको मिडल में एडजस्ट करूंगा। अब और अपने लोगो का नेम कलर में वाइट में थ्रो करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये ब्लू में था तो इसलिए शेप में नज़र नहीं आ रहा था। अपने शेप को लॉक करके अपना कंपनी का लोगो और नेम सेलेक्ट करूंगा, ताकि शेप ना आगे पीछे हो जो पीछे ड्रा की है मैंने। उसके बाद में हम मिडल में सर्कल ड्रा करने के बाद उसकी मैं जो होगा ना फिल कलर, वो मैं ऑफ कर दूंगा, क्योंकि ऑफ नहीं करूंगा उसके उसमें मैं स्ट्रोक दे दूंगा उस इनके शेप में सर्कल की, और उसमें मैं फिर इमेज ऐड करूंगा जिसकी प्रोफाइल होगी, जिसका कार्ड होल्डर होगा उसकी। मैं यहाँ प्रोफाइल ऐड करूँगा और उसमें मैं क्लिपिंग मास्क ऐड कर दूँगा। अब इस इमेज को लेने के बाद मैं यहाँ एडजस्ट करूँगा और इसको क्लिपिंग मास्क दे दूँगा, क्रिएट कर दूँगा। और अब मैं सर्कल को और छोटा करूँगा, ये सर्कल बहुत बड़ा लग रहा है, थोड़ा छोटा कर दूँगा इसको मैं। उसके बाद यहाँ मैं नेम लिखूँगा इसका, भी कार्ड होल्डर होगा डिफॉल्ट में लिख रहा हूँ। ये वाइट में इस टाइम तो इसलिए नज़र नहीं आ रहा लिखते हुए, इसका मैं टेक्स्ट छोटा करने के बाद ब्लैक कलर थ्रो कर दूँगा इसमें। और इसमें मिडल में प्रोफाइल के बिल्कुल नीचे मिडल में इसको एडजस्ट करूँगा, नीचे मैं अपना कोई भी इसके नेम के नीचे ना स्लोगन ऐड कर दूंगा, जिस इसको मैं रेड कलर दूंगा। नीचे मेरा कोई भी अच्छा सा स्लोगन होगा, फॉर एग्जांपल मैं ऐड कर देता हूँ क्रिएटिव डिजाइनर।
और इसके बाद में यहाँ रेक्टेंगल्स, छोटी छोटी रेक्टेंगल्स ड्रा करूँगा, जैसे मैंने ऊपर किया है ना, तो सेम इसी तरह इसके मैं राइट और लेफ्ट दोनों साइडों पे वही डिफरेंट कलर्स, फंकी फंकी कलर दूंगा। इसी की मज़ीद में दो तीन कॉपीज जितनी भी मैंने लेनी है उनको लेके मैं कंट्रोल जे से इनका कलर चेंज कर दूंगा। उसके बाद अब मैंने राइट पे भी यही सारे कॉपी करके वहाँ करने, तो मैं इनकी कंट्रोल जैसे कॉपी लूँगा इनको सेलेक्ट करके उनको मैं राइट पे प्लेस कर दूँगा। उनके बाद जो ऊपर मैंने पीछे कलर थ्रो किए थे ना, इनकी भी मैं कॉपी लेकर इनको मैं बॉटम में प्लेस करूँगा। उसके बाद हमें मिडल में इसकी डिटेल और इंफॉर्मेशन जो ऐड करनी है, फ़ोन, मेल, आईडी,
साइड डिज़ाइन करने के बाद अब हम एक कार्ड होल्डर की बैक साइड डिज़ाइन करेंगे। बैक साइड डिज़ाइन मैं इसकी जो फ्रंट इसका डिज़ाइन किया था वो मैं क्लिक करके कॉपी देकर उसकी मैं यहाँ बॉटम में नीचे थ्रो करूँगा और वही फंकी स्टाइल की जो मैंने रेक्टेंगल डिफरेंट कलर्स में डिज़ाइन किए हैं वो मैं इस शेप के ऊपर थ्रो करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ नेम और डिज़ाइनर का नेम और प्रोफाइल जिसकी होगी यानी कि कार्ड जिसका होगा उसका नेम मैं यहाँ फिर दोबारा यहाँ बैक पे थ्रो करूँगा। फिर बैक पे थ्रो करने के बाद मैं इसके सिग्नेचर जो कि डिफ़ॉल्ट मैंने गूगल से डाउनलोड किए हैं मैं वो यहाँ थ्रो करूँगा। आज यहाँ मैं एक्सपायरी डेट कार्ड की और इशू डेट तो मैं यहाँ मेंशन करूँगा। डेट्स लिखने के बाद मैं यहाँ ऊपर दो पॉइंट हाईलाइट करूँगा कोई से भी दो पॉइंट्स मैं डिफ़ॉल्ट में लिख रहा हूँ तो दो पॉइंट्स को इसे हाईलाइट करूँगा यहाँ मैं। इसकी एक कॉपी लेकर मैं इसको दूसरे को नीचे थ्रो कर दूंगा। अब इनको मैं एडजस्ट करूंगा। और मैंने इसके ऊपर जो ये रेक्टेंगल डिफरेंट कलर्स के लिए मैंने थ्रो नहीं थी की पहले इनकी मैं सेलेक्ट करके कॉपी लूंगा और इनको ऊपर ही इसको मैं थ्रो करूंगा और इस तरह से हमारा कार्ड होल्डर कम्प्लीट डिज़ाइन हो गया। तो भाई बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है यार आपकी।